नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। और आप जानते ही हैं कि नवरात्रि का मौसम चल रहा है। आप सभी को पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से काम है जो नवरात्रि में आपको नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से वो सारे ही काम वर्जित है। पहला काम जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया गया है वो ये है कि किसी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में बाल काटना वर्जित है, दाढ़ी बनाना भी वर्जित है। ऐसे पुरुष जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, अगर व्रत के दौरान वो दाढ़ी बनाते हैं तो उनके लिए ये अशुभ है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि नॉनवेज खाना यानी कि तामसिक भोजन को बिल्कुल ही विरुद्ध आहार माना गया है। आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं खा सकते। हम आपको बता दें कि भोजन को हिंदू शास्त्रों के अनुसार तामसिक, सात्विक और राजसिक में बांटा गया है। इसलिए तामसिक भोजन से आप जितना ज्यादा नवरात्रि के दौरान बचे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेगी और क्या नहीं करना चाहिए। बिस्तर का उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको बेड की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी उपासना और श्रद्धा पूजा कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फल देगी। तो इन्हीं उपायों के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज ट्रैक लगातार अपनी दोस्त दीक्षा के साथ। नमस्कार।